नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, देश में 1,336 नए मामले, 47 लोगों की मौत। सबका स्वास्थ्य सबका विकास होना चाहिए भारत का नारा, डॉक्टर विक्रम पटेल। कोविड-19 असिम्प्टोमेटिक होने के मायने। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 18,601 पहुंच गई है, जिनमें से 3,252 लोगों को ठीक किया जा चुका है और 14,759 सक्रिय मामले अभी भी मौजूद हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही देश में अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 590 हो गई है। पिछले 24 घंटों में यानी 20 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 21 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1,336 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही 705 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि कुल 1,336 नए मामलों में 945 मामले रात भर में सामने आए हैं। देश में सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में 463 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 4,666 हो गई है। गुजरात में 196 मामले आए हैं, उत्तर प्रदेश में 100, राजस्थान में 98, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 78 मामले, आंध्र प्रदेश में 76, वेस्ट बंगाल से 53, तमिलनाडु से 43, तेलंगाना से 29, पंजाब से 26, हरियाणा 21, बिहार 20 और कर्नाटक जम्मू कश्मीर से 18 मामले, केरल और उड़ीसा से 6 मामले, झारखंड से 4 मामले, उत्तराखंड से 2 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 1 केस सामने आया है। देश में 13 राज्य ऐसे भी रहे हैं जिनमें बीते दिनों कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, चंडीगढ़, लद्दाख, मेघालय, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड शामिल। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम पटेल ने न्यूज क्लिक के साथ खास बातचीत में कहा, कोविड-19 में काबू पाने के लिए ऐसी तैयारियां होनी जैसे बड़े हथौड़े से छोटा मच्छर या मक्खी मारने की कोशिश की जा रही हो। उनका यह भी मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनके हालात बदतर हो गए हैं। उनके साथ ही साथ प्रवासी मजदूर और गरीब जनता की भी हालत खराब है। आइए सुनते हैं डॉक्टर पटेल को। ये जो लॉकडाउन का असर पड़ा हमारे देश के गरीब के ऊपर, हमारे देश में बहुत गरीब है। अमेरिका पूरा जनसंख्या है 30 करोड़, हमारे देश में शायद 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब है, जो जिसको आज बहुत परेशान में है। इसमें प्रवासी मजदूर भी है और जो पहले भी गरीब था, और आप जैसे व्यक्ति पहले भी आपने बताया कि एक बार लोगों को जब बीमारी हो जाता है, वो गरीबी रेखा का ऊपर भी था वो गरीबी रेखा का नीचे चले जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो हमारे देश में देखिए, हमारे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है बहुत ही कमजोर है, आज भी बहुत साल से, और आप जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें और कुछ करना चाहिए। मैं 3-4 आंकड़ा दे के फिर आपसे हम सवाल क्या क्या करना चाहिए हमें। हम जो भारत सरकार जो पब्लिक हेल्थ, जो जन स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं, 1.6% हमारे GDP, हमारे नेशनल इनकम या सकल घरेलू उत्पाद, ये सरकार ने खुद कह रहे हैं। 2017 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट कहा कि ये 2.5% होना चाहिए, 2.5% होना चाहिए। हमारे बजट में ये 2020-21 में हमने ज्यादा नहीं बनाया, हमारे जो केंद्रीय बजट में है। आप देखिए जिस तरह से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य का जो संस्था है, उनका जो नॉर्म्स है, हमारा बहुत ही इससे कम है। इसका मतलब है कि हमारा वैसे भी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो जन स्वास्थ्य प्रणाली है, वो कमजोर थे। तो ये कोविड-19 के बाद हमें क्या क्या शिक्षा लेना चाहिए, इस विषय के ऊपर आप कहिए। देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत है जो आपने बताई कि हमारी सरकार जन स्वास्थ्य पे इतना कम खर्च करती है, वो तो आजादी से है, ये आज की बात नहीं है, ये तो आजादी से ये ही मामला चल रहा है। वैसे काफी सालों से कितने लोग बता रहे हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति के लिए हमारे जन स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए। जन स्वास्थ्य के बगैर आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है, और जब जिस तरह से अभी आर्थिक प्रगति हुई है हमारे देश में, जन स्वास्थ्य के बगैर असामान्यता, इनइक्वालिटी पैदा होती है। तो यही मेरी बड़ी चिंता है कि
हमने जन स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज भी हर साल 4 लाख लोग हमारे देश में टीबी से मरते हैं। टीबी भी फेफड़े की इन्फेक्शन है, जिस तरह से कोरोना वायरस है। तो मेरे मन में ये प्रश्न पैदा होती है, इतने सालों से ये जो गंभीर बीमारी है जो हर साल 4 लाख देशवासियों को मारती है, जो हम सदियों से जानते हैं ये जो बीमारी है, आपने कहा 5000 साल से, हाँ 5000 साल, और ये जो और टीबी जैसे बीमारी है इसका इलाज हो सकता है। आप बिल्कुल इलाज हो सकता है, फिर भी आप जैसे कहा हर साल भारतवर्ष में 4 लाख के आसपास टीबी के लिए लोग के मौत हो जाते हैं। पूरा विश्व में हर 4 व्यक्ति जो टीबी से मरते हैं उसमें 1 व्यक्ति भारतवर्ष में है। हाँ जी बिल्कुल। और कारण क्या है? कारण यह है कि अन्य देशों में टीबी की जो लड़ाई थी, हम उन अन्य देशों ने कैसे जीती? जनसंख्या के भी खर्च करते हुए, जिस तरह से हर देश ने अपनी जो सरकारी स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम होता है उस पे खर्च करके टीबी की बीमारी को से हरा है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, क्योंकि टीबी की बीमारी गरीब की बीमारी है, जब तक हम जनसंख्या पे खर्च नहीं करेंगे टीबी की बीमारी फैलती रहेगी। और एक ही जो सबक है, मुझे लगता है एक ही सबसे बड़ा सबक ये कोरोना वायरस से हमें सीखनी चाहिए कि हमारी जो सरकारी आरोग्य कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम है, उस पे हमें ज्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जन स्वास्थ्य से सबका अच्छा हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि सबका स्वास्थ्य सबका विकास अब कहें। आईसीएमआर का मानना है कि अभी तक आई कोरोना पॉजिटिव केस में 80% असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। इसके मायने क्या है यह जानने के लिए न्यूज क्लिक ने बात की सत्यजीत रथ से, आइए सुनते हैं उन्हें। 80% ऑफ द पीपल हु हैव बीन डिटेक्टेड, कल जो डिटेक्ट हुए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, इसे क्या, इसमें क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है। हाँ, ये परिस्थिति में बदलाव जरूर दिखाता है, लेकिन और देशों में जो अवस्था कोविड 19 की दिखाई दी है, बिल्कुल उसी रास्ते पे हिंदुस्तान में भी कोविड 19 चल रहा है तकरीबन। कुछ कुछ फर्क है जिसके बारे में अपन आगे जाके बात कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन उसी रास्ते पे अपन भी चल रहे हैं। सो वन ऑफ द इश्यूज दैट अराइजेस इज दैट आईसीएमआर हैज नाउ सेड दैट देयर इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दूसरी बात यह है कि कई दिनों से आईसीएमआर ये कहते आई है कि हम जितने टेस्ट कर रहे हैं, और चूंकि हमारी टेस्टिंग क्राइटेरिया काफी रिस्ट्रिक्टिव है, तो हम जिन्हें टेस्ट कर रहे हैं उनमें से काफी लोग पॉजिटिव होने चाहिए अगर बड़े पैमाने पर फैलाव हो रहा हो, तो वो नहीं हो रहा। आमतौर से 4-5% टेस्टिंग पॉजिटिव आती जा रही है, जहां की और कई देशों में इन्हीं क्राइटेरिया के अनुसार जब टेस्टिंग हुआ है तो 10-25% तक पॉजिटिविटी गई हुई है। यह आईसीएमआर का कहना, मतलब 25 में से एक पॉजिटिव निकल रहे हैं हमारे यहाँ, दूसरे देशों में 5 में से 1 पॉजिटिव निकल रहे हैं, जैसे अमरीका वगैरह में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इसमें चाव की बात यह है कि 2 तरीकों के अंदाजे अपन लगा सकते हैं। एक तो मुद्दा यह है कि आईसीएमआर जैसे जैसे टेस्टिंग क्राइटेरिया को शिथिल करते गई है, रिलैक्स करते गई है, वैसे वैसे अगर सचमुच कोविड 19 का बहुत बड़ा फैलाव देश में नहीं होता तो पॉजिटिविटी का परसेंटेज कम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। जितनी आईसीएमआर टेस्टें करती हैं 4-5% पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एक तो ये है कि काफी हद तक देश में कोविड 19 का फैलाव है। मैंने कोविड 19 का फैलाव है नहीं कहना चाहिए, मैंने सार्स कोव 2 का, मतलब यानी कि वायरस का, विषाणु का फैलाव है ये कहना चाहिए।
तो बीमारी कोविड 19 है पर वायरस जो है SARS-CoV-2। जी, तो अब ये हुई एक बात कि काफी काफी बड़ा फैलाव है, लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है कि ICMR जो कह रही है कि हमारी जो परसेंटेज पॉजिटिविटी की वो बहुत ज्यादा नहीं है, 5% है जैसे कि आपने कहा, और देशों में 10-25% तक पाई जाती है। और यूं देखें तो वी हैव टू समवट पैराडॉक्सिकल फाइंडिंग्स, परस्पर विरोधी कुछ हद। न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में आज के लिए बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।